हेलो गाइस, बहुत बिजी शेड्यूल में से आज हमने टाइम निकाल के फाइनली हमने प्लान बना ही लिया है रिद्धि सिद्धि के नानी के घर जाने का। तो आज हम जा रहे हैं रिद्धि सिद्धि के नानी के घर और वहाँ पे करेंगे बहुत सारा धमाल। तो आज दिखाएंगे हम आपको रिद्धि सिद्धि के नानी का हाउस। तो चलिए नानी के घर। फाइनली गाइस, हम लोग निकल गए हैं रिद्धि सिद्धि के नानी हाउस के लिए। तो रिद्धि सिद्धि बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ही अपनी कजन से मिलेंगी, है ना सिद्धि? हाँ। ये देख, नानी का घर थोड़ा दूर है, हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते। तो आज हम दिखाएंगे आपको रिद्धि सिद्धि के नानी का घर और मिलवाएंगे रिद्धि सिद्धि के नानी से। ये देखिए फ्रेंड्स, आज सैटरडे करके ट्रैफिक नहीं है, हम लोग बहुत स्मूथली जा रहे हैं। और ये देखिए हमारी गाड़ी की स्पीड, ये कभी भी 40 से 60, ये देखिए चलान हो रहा है, ये देखिए बुरा हाल दिल्ली का। और ये देखिए हमारे गाड़ी की स्पीड, खाली रोड पे भी हमारी गाड़ी की स्पीड है 40 to 50, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के पापा करके है 5 to 6 चलान आए हुए हैं। इसके पापा के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो अभी इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी हमारी गाड़ी की। अब मुझे लगता है हम लोग शाम तक ही पहुँचेंगे रिद्धि सिद्धि के नानी के घर। इस बार तो लग रहा है दिल्ली में गर्मी बहुत धमाके से आने वाली है। आप देख सकते हैं ऐसे ही फरवरी के मौसम में ही हमने गाड़ी का अपना AC ऑन कर लिया है, कि बहुत गर्मी लग रही है बच्चों को। ये देखिए कितना टेम्परेचर होगा आज का दिल्ली का। माँ, वो ऑटो पे क्या लिखा है? कौन सा बेटे? वो लिखा है लड़की लड़का एक समान कहता है मेरा ईमान, बट मेरा मैसेज तो अलग है, लड़की लड़की एक समान, क्योंकि मेरी 2 बेटी है रिद्धि एंड सिद्धि। मम्मा प्लीज ओपन कर दो। लो बेटा, ये देखिए फ्रेंड्स बच्चों का बुरा हाल। हम कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो मुझको बहुत सारा इनका खाने का सामान कैरी करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा बैग फुल है इनके खाने के सामान से, रोटी चिप्स केक्स जो जो इनको पसंद है। ये लो बेटा, अब इनको जैसे जैसे आगे आगे जाते रहेंगे इनकी भूख बढ़ती जाएगी। फ्रेंड्स, हम बहुत टाइम के बाद लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, इतना मज़ा आ रहा है। एकदम मम्मी पापा से मिलने की एक्साइटमेंट और प्लस लॉन्ग ड्राइव पे मस्ती करते हुए वो जाने की एक्साइटमेंट, बहुत मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लाइफ में चेंजेस भी बहुत जरूरी है, घर में रोज वही काम, वही ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों के ट्यूशंस। अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, काश हिल स्टेशन पे भी जा सकते हैं, पर कोरोना करके हम लोग नहीं जा पाएंगे। रिद्धि सिद्धि के दादू दादी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, नेक्स्ट ईयर बनाएंगे तो आपको भी लेके चलेंगे हम हिल्स पे। हेलो सुधी, आप भी खाओ। नहीं, फ्रेंड्स अंडर पास आ रहे हैं, अब देखना रिद्धि सिद्धि और हम लोग क्या करते हैं अंडर पास आने पे। ये देखिए 1 2 3 बड़े से बड़ा है, इन लोगों ने ऐसा करना ही होता है ये, और सो रही होती है तब भी जग जाती है देखते ही कि अंडर पास आ गया है। इनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ऐसे करना, आप भी ट्राई करना, बड़ा मजा आएगा आपको भी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 फ्लाईओवर हैं, आप देख रहे होंगे एक साइड है ये मेट्रो का और दूसरी साइड है ये। 2 फ्लाईओवर नहीं है, ये मेट्रो जहाँ चलती है उसको फ्लाईओवर नहीं बोलते, उसको मेट्रो ट्रैक बोलते हैं, और फ्लाईओवर आपके राइट साइड में है मैडम। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात बताई है, मुझे पता ही नहीं था। ऐसे थोड़ी हम सरकारी स्कूल में पढ़े, नंबर ले गए सरकारी स्कूल के बंदे, प्रमोटेड पास होते थे हर साल हम तो। अच्छा सही है। और जब पहली बार मैं प्रमोटेड पास हुआ था तो सब लोग कह रहे थे कि यार प्रमोटेड पास हो गया, प्रमोटेड। मैं सोचा पता नहीं कोई मेरी कोई डिवीजन आई होगी, बाद में पता लगा ये तो ग्रेस मार्क्स होते हैं।
पता नहीं सिद्धि क्यों चुपचाप बैठी है, मुझे लग रहा है इसको नानी नानू से मिलने की खुशी नहीं है। क्यों सिद्धि? ये बड़ी चलाक है, बहुत ज्यादा। इसका नाम जरूर सिद्धि रखा है पर ये है स्टेडी। वो लगती है मुझे तो चलाक लोमड़ी। गाय तो मम्मा पागल हो गई है। ये देखो आजकल के बच्चे माता पिता को किस तरीके से कहते हैं। कलयुग घोर कलयुग। एंड सब स्टार्ट हो गया है हमारा कार डांस। आप देख सकती है रिद्धि सिद्धि का डांस। अब आ गया है दिल्ली का सबसे ही खूबसूरत एरिया। मेरे लिए ये स्वर्ग से बढ़कर है ही नहीं। इसमें मेरी बहुत ही यादें जुड़ी है। मैं कभी आपको और ब्लॉग में आपको बताऊंगी। दिन पलट गए। काश यार के पुरम ना होता। ये सोचते हैं कि यार के पुरम में 10 साल पहले क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों हो गया। ये कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना इनकी दिल की बात, मुझे पता है। गाइस अब लग गई है हमें भूख, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया घर से निकले हुए। और ये हम घर से लेके आए थे ये गोभी के पराठे। अम्मा पानी। सो यम्मी। बहुत अच्छी है। मम्मा इसको धोना। आज मैंने खूब सारी गोभी डाल के और बहुत सारा बटर डाल के इसको पैक करके लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। इसको धो। दीवानी है रिद्धि और आलू की परांठी। रिद्धि और रिद्धि के पापा। मैं यहां तू वहां। रिद्धि के पापा वीडियो में आ नहीं रहे हैं पर हमें सारा अरेंजमेंट करके दिया उन्होंने। जुगाड़ करके कैमरा हैंग कर दिया है शीशे पे, जिससे कि हमें फोन ना पकड़ना पड़े और हमें वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो। और देखो ओ पापा जो ड्रेस कर रहे हैं ना पापा, वो भी सिंगर है, गाने गा रहे हैं। मैं की आवाज बहुत अच्छी है, बहुत दर्द है इनकी आवाज में। ये लो आप भी खा लो गोभी की रोटी। है देखो ये जा रही है रिद्धि सिद्धि के पापा के मुंह में। ये देखिए अब हमारी गाड़ी लैंड कर रही है। लैंड कर रही है 40 से 50 की स्पीड के बीच में। ये देखिए ये अब हमारा रनवे आ गया। अब हमारी गाड़ी रनवे पे चल रही है। ये देखिए वाह मजा ही आ गया। हम कितने लकी हैं कि हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, राइट साइड में कितना ट्रैफिक है। ये तो है। फ्रेंड्स देखिए एक और अंडरपास आ गया है। जो सामने टी पॉइंट पे जो घर बना हुआ है वो है फाइनली रिद्धि सिद्धि की नानी का घर। और ये नानू का टॉवल सूख रहा है ऊपर। गाइस हम नानी के घर रिद्धि सिद्धि के पहुंच गए हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं। हेलो हेलो कैसे हो? ये है इसके मामू। हेलो भाई आइए गाइस आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये है इनकी पार्किंग। आइए गाइस हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं। सीधी चलो गाइस हम घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसकी नानी की एक्साइटमेंट। भाभी
है मेरी भाभी की बहन प्रांजल, ये है छोटा बेबी हमारा, हम इसी से मिलने आए हैं स्पेशली, इसने हमें बुलाया है वीडियो कॉल कर करके। ये मेरे छोटे भाई का बेटा है जियान, हेलो करो यार, हेलो करो, वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, चलो जाओ चलो 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 पीछे, ओ वाह, आपने बैठना, हेलो जी, बस खुश रहो। ये मेरी छोटी भाभी जियान की मॉम, हेलो बोलो, हेलो हेलो गाइस, जियान भी करते हेलो गाइस, ये देखो इसकुचा, ये धूप में रह रहे थे थोड़ा सा, काला हो गया क्योंकि बहुत गोरा था ये, अब ये दोबारा से गोरा हो जाएगा। चलो जी खातिरदारियां शुरू हो गई है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने जी पीना भी है, बहुत छोटा है, उधर से गुड्डा तुम ही है, कोई कैमरामैन को भी पूछ लो, ये लास्ट कैमरामैन के लिए रिद्धि, सिद्धि सिद्धि, रिद्धि देखो, ये देखिए गाइस, हम घर की तरफ अब वापसी जा रहे हैं, हम लोधी कॉलोनी से स्पेशली होते हुए जाते हैं क्योंकि हम यहाँ का स्पेशल डोसा वड़ा जरूर खाने आते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का क्राउड, ये बहुत सालों से है, ये देखिए गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी, ये देखिए ये है मेन लोधी कॉलोनी, ये देखो ये देखिए, अभी हम भी खड़े होंगे लाइन में मास्क पहन के। गाइस ये देखिए हमने ऑर्डर किया है, ये सांभर वड़ा है इडली और ये है डोसा, ये बहुत ही यम्मी है, स्पेशली यहाँ पर खाने आते हैं, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट, मेरा फेवरेट, मैं बड़े से स्टार्ट करूँगी, और इनकी नारियल की चटनी तो इतनी टेस्टी होती है, हम पता नहीं कितनी बार लेते हैं, बेहतरीन टेस्ट, हमेशा से एक ही टेस्ट मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, कभी भी इनके टेस्ट में चेंजेस नहीं आई, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। आज रिद्धि, आज रिद्धि खाएगी, रिद्धि टेस्ट बताओ पापा को, अब सिद्धि बताएगी, सिद्धि टेस्ट बताओ पापा को, सिद्धि पापा को टेस्ट दो। और ये रहा मेरा भाई, इसको भी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, अब घर जाके उसको मुर्गा बनाएंगे। गाइस ससुर जी ने मेरे साले को दान दे दिया हमें, वो इससे बहुत परेशान है, वो कह रहे ले जाओ इसे, अच्छा भाई है मेरा, सब मांगते हैं इसको। अब फैन समझा रहे हैं अपने घर वापसी, तो ये देखिए रिद्धि सिद्धि कितनी सैड है, आपने कल इनका फेस देखा हो कितनी खुश थी, आज थोड़ी सी ये उदास हो गई है, इनका मन नहीं था घर जाने का, ये कह रहे थे कि मम्मा प्लीज एक दिन और रुकते हैं, बट नहीं, इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी थी तो इस करके हम लोग रुक नहीं पाए ज़्यादा। अगर गाइज आपको हमारी ये वीडियो पसंद लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और घंटी बजाना ना।
और दिल्ली में गाड़ी चलानी हो तो 50 से ऊपर कभी ना जाएं। सुन लिया? मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।